नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के रानीसराय थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने दो सप्ताह पूर्व उसके साथ हुए दुष्कर्म के मामले में पुलिस अधीक्षक से मिलकर मुकदमा दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। महिला ने आरोप लगाया कि ऑनलाइन शिकायत के बावजूद भी स्थानीय पुलिस मुकदमा दर्ज करने के बजाय उसे थाने से भगा दे रही है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंची पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि करीब दो सप्ताह पूर्व गाँव के नंदू यादव रात करीब 8 बजे उसके घर में घुस गया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। विरोध करने पर उसने मारा पीटा और उसके कपड़े फाड़ दिए। शोर शराबे की आवाज को सुनकर जब तक ग्रामीण उसके घर तक पहुंचते, वह जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया। इस घटना के बाद पीड़िता ने ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई, लेकिन रानीसराय थाने की पुलिस मुकदमा दर्ज करने के बजाय उसको थाने से डांटकर भगा दे रही है। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। हमारे साथ बलात्कार हुआ था, कौन क्या कब हुआ सब बताइए। 8 बजे की बात थी, हमारी छोरी गई, हमारे छोरे की भी मारा, हमारे हमको मारा। कौन मारा, क्या नाम है? नंदू नाम है। तो थाने पे क्या हुआ? थाने पे गई, कोई सुनवाई न करना। आज आप आई हैं यहाँ पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर, तो क्या कहे हैं? कहना की जाओ इससे उनके की ना। हाँ, क्या कहे? भाई का नाम उनका रहा? हाँ, वही कार्रवाई कर सकते, हम ना कह सकेगा। क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि भाई अब हमारे साथ यही तरह घटना करी है, अब जबरदस्ती भी कहे ना, वो मारे के धमकी दे थे। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।